हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही फ्लफी सा कस्टर्ड डोनट, बहुत ही इजी है इसे बनाना। तो चलिए देखते हैं इसकी रेसिपी। इसके लिए एक बोल लेंगे बड़ा सा, जिसमें हमें डो बनाना है, और इसमें डालेंगे एक कप मिल्क। तो यहाँ पे गरम दूध लिया है मैंने, ज़्यादा नहीं, हल्का सा गरम ले, ताकि जो ईस्ट है वो अच्छे से फर्मेंट हो। इसके बाद इसमें डालेंगे 1/4 कप शुगर, 50 ग्राम के अराउंड शुगर है इसमें, नॉर्मल शुगर ले। और इसके बाद इसमें डालेंगे एक अंडा, और इसके साथ साथ 7 ग्राम हम ईस्ट लेंगे, ड्राई एक्टिव ईस्ट लिया है मैंने, तो छोटे वाले चम्मच से 2.5 से 3 चम्मच, और अगर मेजर करेंगे तो 7 ग्राम हम ईस्ट लेंगे, और इसे मिक्स कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे 3.5 कप मैदा, जो तकरीबन 400 ग्राम है, नमक 1 टीस्पून, जो तकरीबन 5 ग्राम है, और इन सबको डाल के हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो मेजरमेंट का ध्यान रखें, क्योंकि अगर मेजरमेंट सही होगा तो डो हमारा बहुत अच्छा बनेगा और डोनट हमारा बहुत ही फ्लफी और सॉफ्ट बनेगा। तो इसे इस तरीके से बस बाइंड कर लेना है अभी। बाइंड करके हमें इसे इस तरीके से 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। 10 मिनट के बाद हम इसमें बटर ऐड करेंगे। यहाँ पे डालेंगे 3 बड़े चम्मच बटर। तो सॉफ्ट बटर लें, मेल्टेड नहीं, सॉफ्ट, जो हम फ्रिज से जब बाहर निकालते हैं जो बटर सॉफ्ट होता है, वही बटर हम इसमें डालेंगे, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे डो में। एक बार इसमें अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए तब हम इसे चॉपिंग बोर्ड में रखेंगे। इस तरीके से थोड़ा सा मैदा इसमें डस्ट करें, और हम अब इस डो को स्ट्रेच करेंगे, जिससे जो हमारा डो है बहुत स्मूथ बनेगा और डोनट जो है बहुत सॉफ्ट और फ्लफ़ी बनेगा, क्योंकि हमें कस्टर्ड फील करना है तो बहुत फ्लफ़ी सा डोनट हमें चाहिए होगा। तो 5 से 7 मिनट तक, या जब तक आपका जो डो है वो स्मूद ना हो जाए, तब तक आप इसे इसी तरीके से स्ट्रेच करें। ये देखिए, जो डो है स्मूथ होना शुरू हो गया है। बस इसी तरीके से स्मूथ कर लेना, इसे हमें रख देना है। तो थोड़ा सा हम बोल में डालेंगे तेल, और थोड़ा सा हम डो के ऊपर, ताकि जो डो है हमारा ड्राई ना हो, और इसे ढक के हम रख देंगे 3 से 4 घंटे के लिए, या जब तक हमारा डो डबल साइज़ में ना हो जाए। तो किसी भी गर्म जगह पर रखेंगे तो बहुत जल्दी ये फर्मेंट होगा। अब हम कस्टर्ड बनाएंगे, तो 1/2 लीटर मैंने यहाँ पे मिल्क लिया है, और इसे रख देंगे स्टोव पे। इसके बाद इसमें डालेंगे 3 बड़े चम्मच शुगर, बॉईल करने के लिए इसे रख देंगे। यहाँ पे मैंने लिया है कस्टर्ड पाउडर, जो कि है 3 बड़े चम्मच, और इसमें डालेंगे 1/2 कप के अराउंड दूध। तो यहाँ पे ठंडा मिल्क लें आप कस्टर्ड को मिक्स करने के लिए। अच्छा सा स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे इसका हम, बीच बीच में मिल्क चलाते रहेंगे। ये देखिए, बिल्कुल इस तरीके से पेस्ट बना लेना है। अब एक बार मिल्क बॉईल हो जाए तब हम इसमें कस्टर्ड ऐड करेंगे। मिल्क बॉईल हो गया है तो कस्टर्ड डालते रहें और चलाते रहें कंटिन्यू, ताकि लम्स ना पड़े। दो से तीन मिनट के बाद हम स्टोव को ऑफ कर देंगे, और इसे ठंडा होने के लिए हम रख देंगे। ये देखिए, इस तरीके से चला दें ताकि जल्दी से ठंडा हो जाए, और इसे किसी भी बर्तन में निकाल के ढक के आप रख दें, ताकि ड्राई ना हो कस्टर्ड। अब ये देखिए, हमारा डो बिल्कुल डबल हो गया, बल्कि उससे ज़्यादा हो गया है। तो इससे हम जब भी बनाएंगे डोनट, तो जो एयर है उसे पहले निकाल लेंगे। तो इस तरीके से आप इसमें पंच कर लें, इस तरीके से कर लें, ताकि जो एयर है वो एक्स्ट्रा निकल जाए, और हमारा जो बिल्कुल सॉफ्ट सा डो है वो हमें मिल जाए। ये देखिए, इसे डिवाइड कर देंगे हम। आप चाहें तो इसमें नॉर्मल जो डोनट आता है आप उस तरीके से भी बना सकते हैं, ये परफेक्ट डो है, आप किसी भी तरीके का डोनट इससे आराम से बना सकते हैं। तो अब हम इसे बेलेंगे, तो 1/2 इंच मोटा हमें इसे बेलना है।
तो आप इसे किसी भी कुकी कटर से या किसी भी ढक्कन से आप इसे कट कर सकते हैं। जितना बड़ा चाहिए आप उतना बड़ा आप इसे कट करें। इसी तरीके से हम काट लेंगे सबको, और जो कटिंग पीस है उसे दोबारा से इकट्ठा करके हम बेल करके उसका डोनट बना लेंगे इसका। अब इस डोनट को हम 5 मिनट के लिए ढक के रख देंगे ताकि ये प्रूफ हो जाए। तलने से पहले हमें 5 मिनट इसे रख देना है। तेल मैंने रख दिया है, डीप फ्राई करना है हमें, तो तेल मैंने रख दिया गर्म करने के लिए। तो 5 मिनट के बाद इसे में डोनट हम डाल करके फ्राई कर लेंगे। दोनों साइड से फ्राई करें आप, तो लो टू मीडियम फ्लेम रखें और दोनों साइड से अच्छा सा ब्राउन सा कलर आने तक हमें इसे फ्राई कर लेना है। तो देखेंगे आप धीरे धीरे जो है डोनट को फूलना शुरू हो गया, क्योंकि डोनट अच्छे से प्रूफ हुआ है, डो हमारा अच्छा बना था, तो बहुत अच्छा सा सॉफ्ट सा डोनट तैयार होगा। ये देखिए कितना अच्छा फूला फूला डोनट। अब यहाँ पे मैंने पाउडर शुगर लिया है, जो चीनी होता है उसे बस ग्राइंड कर लिया है मैंने, और इसे अच्छे से गर्मा गर्म जब डोनट है तब ये कोट करेंगे। इससे जो डोनट है वो शुगर अच्छे से कोट हो जाता है उसके ऊपर। तो इस तरीके से आप करें, तो सारे डोनट को हम ऐसी तरीके से फ्राई करके शुगर में कोट कर लेंगे। जब भी डोनट आप बनाएं 5 मिनट ज़रूर प्रूफ करने के लिए रखें उसे। ये देखिए सारे डोनट इसी तरीके से रेडी कर लेना है आपको। कितने फूले फूले से बने हैं, बहुत ही सॉफ्ट, ये देखिए बहुत ही फ्लफी है। इसके अंदर आप चाहें तो चॉकलेट फिल करें, क्रीम फिल करें, चाहे ऐसे ही खाएं। अब हमें होल करना है, तो मैंने यहाँ पे चॉप स्टिक लिया है, उसे इस तरीके से आप होल करें। आप कोई भी स्क्वायर ले करके इस तरीके से होल कर सकते हैं, या स्पून के उल्टे साइड से भी कर सकते हैं। बस हमें अंदर से होल करना है, और जो डोनट है अंदर से बिल्कुल हॉलो है। अब इसमें कस्टर्ड फिल करेंगे, तो कस्टर्ड को एक बार हम अच्छे से फेंट लेंगे ताकि स्मूथ सा हो जाए, क्योंकि कस्टर्ड ठंडा होने के बाद थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा मिल्क ऐड करके भी फेंट सकते हैं। अब इसे हमें पाइपिंग बैग में डाल देना है। तो आप चाहें तो इसमें व्हिप्ड क्रीम भी डाल करके मिक्स करके ऐड कर सकते हैं कस्टर्ड में, और इसे फिल कर सकते हैं, या सिर्फ व्हिप क्रीम भी इसमें फिल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप फिल कर दें कस्टर्ड, थोड़ा सा बाहर निकाल दें इस तरीके से ताकि देखने में अच्छा लगे। तो सारे कस्टर्ड को हमें इसी तरीके से रेडी कर लेना है। ये देखिए बहुत ही टेस्टी सा कस्टर्ड हमारा रेडी है। तो मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे प्लीज़ लाइक और शेयर करें ज़रूर, और बनाएं इसे ज़रूर, हमारे साथ शेयर करें एक्सपीरियंस, और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।